लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा है कि हम अपने पीपल फार्म के काउ शेड्स की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके लिए हम छोटा सा टूर देंगे आपको और क्या क्या प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं वो भी बताया जाएगा। आइए अब अंदर जाके हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फीडिंग मेंजर्स आ गए हैं, जिसमें हमारे पास फीडिंग के लिए भी है और वाटरिंग के लिए भी हमने स्लॉट्स बनाए हुए हैं। और आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमने रेगुलर डिस्टेंस पे बनाया है सो दैट हर एक एनिमल प्रॉपरली खा पी सके। और साथ ही साथ आप जैसे हमारे फ्लोर पे देख रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे रबर मैट्रेसेस है। रबर मैट्रेसेस में आपने स्ट्राइएशंस देखी होंगी, ये इसलिए होती है कि सो दैट एनिमल फिसले ना। फीडिंग मेंजर्स की हम क्लीनिंग डेली करते रहते हैं, लेकिन जो ये काउ शेड का है डीप क्लीनिंग इंश्योर करते हैं कि वीकली ज़रूर हो। डीप क्लीनिंग में हम सबसे पहले ये जो आप मैट्रेस देख रहे हैं सन ड्राई करते हैं और साथ ही साथ इस पूरे काउ शेड के फ्लोर को, जो भी इसमें डर्ट वगैरह जमा हो या काउडंग जम जाता है एक हफ्ते के दौरान, उसको हम पूरी तरह से साफ करते हैं। साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे कुछ सफ़ेद निशान भी है, ये हमारा डीप पाउडर है। इसका यूज़ मेनली होता है टिक्स के लिए। टिक्स जनरली अपने अंडे काउ शेड की दीवारों पे देते हैं, तो आप देख रहे होंगे हमने दीवारों पे ये डी पाउडर यूज़ कर रखा है सो दैट कि टिक्स के एग्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और हम ये हर हफ्ते रिपीट करते रहते हैं। ये कई बार गर्मियों में क्या होता है कि एनिमल्स टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए हमने ये फैंस लगवाए हुए हैं। ज़्यादातर अडल्ट एनिमल्स हैं उनको हम बाहर रखते हैं, और काफ और या कोई प्रेग्नेंट एनिमल होता है उनको हम अंदर रखते हैं सो दैट उनको प्रॉपर केयर मिल पाए। शेड का फ्लोर है वो थोड़ा सा एंगुलर है, ऐसा इसलिए है अगर कोई भी एनिमल यूरिन पास करता है तो ऑटोमेटिकली ये ड्रेनेज पाइप में चला जाता है। इससे सफाई करने में भी आसानी रहती है। दिन में दो बार गोबर को साफ करना चाहिए सो दैट एनिमल जहाँ बैठता है वो जगह साफ रहे। तो चलिए अब हम काउ शेड के अंदर चलते हैं। ये काउ शेड के अंदर का भाग है जो आप देख रहे हैं अभी, ये यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल किया हुआ है। कई बार जैसे रात के दौरान या काफ़ी लंबे समय तक जब गोबर एक जगह इकट्ठा रहता है, गैसेस इकट्ठा होती है अंदर लाइक अमोनिया, वो डायरेक्टली बाहर चले जाए और एनिमल्स को सफोकेशन ना हो। अंदर भी हमने मैट्रेस लगा रखे हैं, हम मैट्रेस के ऊपर भी इस चीज़ का बेडिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं सो दैट ठंड एनिमल को ना लग पाए। हमारे काउ शेड में दो विंडोज़ हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे और फ्रेश एयर एनिमल को मिलती रहे। हम इस काउ शेड में लगभग 5 एनिमल्स को रखते हैं, हम ज़्यादा एनिमल्स को भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग एनिमल्स को थोड़ा दूर दूर बांधते हैं ताकि वो एक दूसरे से लड़े ना और प्रॉपर कंफर्टेबली उनको बैठने की जगह मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल है काउ से रिलेटेड या काउ मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।